नमस्कार, आप देख रहे हैं मैथ स्पेशल। मैं हूं आपके साथ निधि। आपकी जन्म की तारीख आपके बारे में बहुत कुछ कहती है, ये बात तो हम आपको बता चुके हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आपके जन्म का वर्ष भी आपसे जुड़ी बहुत सी बातें बताता है। आपके जन्म का साल न सिर्फ आपके व्यक्तित्व और स्वभाव के विषय में जानकारी देता है, बल्कि वो आपसे जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों को भी उजागर करता है जिसे कोई नहीं जानता। अब आप सोच रहे हो कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन यकीन मानिए ये सच है। अगर आपका भी जन्म 1980 से लेकर 1999 के बीच में हुआ है तो ये जानिए आपके बारे में बहुत सी गहरी बातें बता सकते हैं। साथ ही ये कि जो लोग ये पढ़ जान रहे हैं वो जन्म के साल के हिसाब से अपने निकट लोगों की खूबियों से परिचित हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं 1980। सबसे पहले बात वर्ष 1980 में जन्मे लोगों की। जिन लोगों का जन्म इस साल में हुआ है उनके व्यक्तित्व में चुंबकीय आकर्षण होता है। ये लोग बौद्धिक क्षमता के धनी होते हैं, जिनके दोस्त उनसे बहुत नजदीकी रखते हैं। आपका जिज्ञासु स्वभाव हर किसी को पसंद आता है। आपको अपने भीतर छिपे अहम और घमंड की भावना को नियंत्रित रखें। 1981 में जन्मे लोगों के विषय में ये कहा गया है कि वे बहुत ही महत्वाकांक्षी और स्मार्ट होते हैं। आप अपनी गंभीरता और कड़ी मेहनत के जरिए जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। आप अपनी मेहनत पे भरोसा करते और किसी पर भी आसानी से विश्वास नहीं करते। इस वजह से अन्य लोग आपको आत्मकेंद्रित या स्वार्थी समझ लेने की भूल कर देते हैं। 1982 में जन्म लेने वाले लोगों को विश्वसनीय और स्नेही माना जाता है। जो लोग आपको नजदीक है, जिन लोगों से आप बहुत प्रेम करते हैं, जिनके लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आपका रिजर्व स्वभाव आपको अन्य लोगों से दूर रखता है, इसलिए आपको अपने स्वभाव पर ध्यान देना चाहिए। 1983 में जन्म लेने वाले लोगों को बहुत दयालु और नम्र माना जाता है। आप आसानी से लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं और इस वजह से वे लोग आपके ऊपर विश्वास कर लेते हैं। किसी पर भी विश्वास करने से पहले उनके बारे में सब कुछ जान ले, बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा न करें, अन्यथा लोग आपको धोखा दे सकते हैं। 1984 में जिन लोगों का जन्म लिया है उन्हें स्वभाव से ही सकारात्मक माना जाता है। आप अपने खुशमिजाज स्वभाव की वजह से अपने सारे दोस्तों के बीच बहुत लोकप्रिय रहते हैं। आपको अपने शब्दों और वचनों पर ध्यान देना चाहिए, बिना सोचे कुछ बोलेंगे तो ऐसी गुंजाइश है कि लोगों को आपकी बातें बुरी लग जाए। जीवन में स्थिरता लाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी। 1985 में जन्मे लोगों के बारे में कहा जाता है कि वे हमेशा अपने दिल की सुनते हैं और इसी आधार पर कोई कार्य करते हैं। आप किसी की सलाह लेना सही नहीं समझते, क्योंकि आपको लगता है कि आप खुद में कि विषय में अच्छे से जानते हैं। शांति बनाए रखने के लिए चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। 1986 आप स्वतंत्र विचारधारा वाले व्यक्ति जो किसी के दबाव या नियंत्रण में आकर सही नहीं समझते, लेकिन आपको एक बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि कोई भी कदम उठाने से पहले आपको उस पर पुनः विचार अवश्य कर लेना चाहिए, नहीं तो आपको पछताना पड़ सकता है। 1987 में जन्म लेने वाले लोगों के विषय में माना गया है कि वे जिनसे प्रेम करते हैं उसके सिवाय कुछ और नहीं दिखता। आपको उन जिनकी प्रभाव आ गई है, आप एक पल के लिए भी उनसे दूर नहीं रह सकते। आपके भीतर गजब का सेंस ऑफ ह्यूमर है जो सभी को पसंद आता है। 1988 जिन लोगों का जन्म 1988 में हुआ है उनके बारे में कहा जाता है कि वे जीवन भर मस्ती करने के मूड में रहते हैं। आप स्वभाव से बहुत रोमांटिक होते हैं और आपको अपने स्वभाव में संतुलन रखने की जरूरत है, साथ ही आपको सकारात्मक व्यवहार रखना चाहिए। 1989 में जन्म लेने वाले लोगों का अत्याधुनिक महत्वाकांक्षी और ध्यान रखने वाले लोग होते हैं, जिनका इनका निश्चय मेहनत की वजह से ही ये जो चाहते हैं जीवन में उसे पा लेते हैं। 1990 में जन्म लेने वाले लोगों के विषय में कहा गया है कि इन्हें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने की अत्यधिक आवश्यकता है। जब आप इस मसले पर फेल हो जाएंगे तब आप खुद को हारता हुआ महसूस कर सकते हैं। अब चीज पर वर्क कर आप अपने दोस्तों की संख्या को भी बढ़ा सकते हैं। 1991 जिन लोगों का जन्म 1991 में है वो बहुत रचनात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। आप लोगों पर विश्वास करने और साथ ही अपनी वास्तविक भावनाओं का प्रदर्शन करने में बहुत समय लगाते हैं। आपको जीवन के प्रति अपने निराशाजनक स्वभाव पर नियंत्रण रखना होगा। 1992 में जन्म लेने वाले लोगों के भीतर एक ऐसी दक्षता होती है जो जीवन में उनको सफलता का कारण बनाती है।
आप अपने लोगों पर भरोसा करने के लिए अपने ज्ञान पर भी भरोसा करते हैं। आपकी भी गजब की नेतृत्व क्षमता दिखाई देती है। 1983 जिन लोग ने जन्म 1983 में लिया है, जिनका दिमाग बहुत तेज होता है, आप लोग अपनी गलतियों को भी सभी के सामने स्वीकार कर लेते हैं और यही आपकी सबसे बड़ी खूबी है। आपको मूड स्विंग की परेशानी कुछ ज्यादा ही झिलाती है, आप इस पर नियंत्रण रखें। 1994 में सबसे बेहतरीन प्रेमी और दोस्त माना जा सकता है। लोग अपने आकर्षण में बड़ी आसानी से बंध जाते हैं और आपको हमेशा अपने नजदीक रखना चाहते हैं। आपकी गर्मजोशी और बुद्धिमता काफी लोकप्रिय बनाती है। 1995 वर्ष 1995 में जन्मे लोग जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। बुरे से बुरे हालातों में भी आप जीवन के प्रति अपना नजरिया नहीं बदलते। आप बहुत मेहनती हैं और कोई भी आपको छुपा नहीं सकता। आपको किसी पर भी अंधविश्वास करने की जरूरत नहीं है। 1996 अगर आप 1996 जन्म लेने वाले लोगों में बेशुमार हैं, तो आपको बेहद प्रकृति प्रेम कुट कुट कर भरा होगा। पाने की लालसा रखते हुए ये आपको कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। 1997 अगर आपने वर्ष 1997 में जन्म लिया है, तो आप जिनसे प्रेम करते हैं उनके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहने वाले में से हैं। आप सभी विकल्पों और औजारों गौर से करने के बाद किसी निर्णय पर पहुंचते हैं। बस आपको अपने जिद्दी व्यवहार और स्वभाव पर चीक लगाना चाहिए। 1998 अगर आपका जन्म 1998 में हुआ है, तो आप स्वभावगत बहुत रचनात्मक और बुद्धिमान हैं। आप बहुत आत्मविश्वासी हैं। आपकी ये खूबी आपको जीवन में बहुत कुछ सिखाती है। 1999 वर्ष 1999 में जन्मे लोग सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत कमाल की होती है। आपको किसी भी पार्टी की जान में जा कहे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि संवेदनशील स्वभाव हर किसी को पसंद आता और इसी आधार पर लोग आपको बेहद पसंद करते हैं। 2000 वर्ष 2000 में जिन लोगों ने जन्म लिया है, वो अत्याधुनिक मूडी और आत्मविश्वासी होते हैं। आप उन लोगों से नफरत करते हैं और झूठ बोलते हैं। और आपकी सबसे बड़ी खूबी आपकी मेहनती का स्वभाव है। आप अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं और इसी आगे बढ़ते हैं।